इस वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है ऑन क्लिक, दूसरा है ऑन माउस ओवर और तीसरा है ऑन माउस आउट। ऑन क्लिक में क्या होता है, जब तक यूजर माउस द्वारा क्लिक नहीं करेगा हमारे द्वारा दिया गया कार्य सिस्टम नहीं शुरू करेगा। ऑन माउस ओवर में क्या होता है, जब यूजर अपना माउस का कर्सर उसके पास कंटेंट के पास लेकर जाता है तब वो हमें अपना इफेक्ट दिखाता है। और माउस आउट में क्या होता है, ऑन माउस आउट में जब यूजर उस कंटेंट पर कर्सर अपना ले जाता है और ले जाके उस जगह से हटाता है तभी अपना इफेक्ट दिखाता है। तो हम इन तीनों इवेंट्स को वर्बली में इतना नहीं समझ सकते जितना हम इसके प्रैक्टिकल के हिसाब से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का एक प्रोग्राम बनाते हैं। इन तीनों में एक में हम डालेंगे ऑन क्लिक, एक में हम डालेंगे ऑन माउस ओवर और एक में हम डालेंगे ऑन माउस आउट। बट हम इन तीनों का सिर्फ एक ही प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम इन तीनों इवेंट्स का यूज करेंगे। तो चलिए हम आते हैं हमारे सबलाइन पर। यहाँ पर हमने जावा नाम की एक फाइल बना रखी है और यहाँ पर हमने फाइल बनाकर उसे सेव करके रखा है। बस हमें क्या करना है, हमें कोड करना है, इसे सेव करके उसका इफेक्ट देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑफकोर्स स्क्रिप्ट ओपन करनी होगी और स्क्रिप्ट क्लोज। अब हमें क्या, कोई भी आप इवेंट पर काम कर रहे हो तो इवेंट तब काम करता है जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम दिया मैंने क्लिक। क्लिक ना देकर हम दे देते हैं वन, दे देते हैं वन और ये कुछ इस तरीके से। ये हमने फंक्शन बनाया जिसमें हमने अलर्ट मैसेज दिया है, हेलो आई एम एग्जाम्पल ऑफ ऑन क्लिक इवेंट। ये मैंने यहाँ पे अलर्ट में मैसेज दे दिया। इसके बाद एक फंक्शन और बना रही हूं मैं, एक काम करते हैं हम इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जिससे कि ज्यादा जल्दी हमारा काम हो जाएगा। कॉपी करा कंट्रोल सी से और यहां पर आकर हमने कर दिया कंट्रोल वी से पेस्ट। यहां पे इस फंक्शन का नाम मैंने TWO2 दे दिया है, हेलो आई एम एग्जाम्पल ऑफ ऑन माउस ओवर इवेंट। एक बार और हम इसे कॉपी पेस्ट करते हैं, टू के बाद हमने थ्री कर देते हैं इसे, हेलो आई एम एग्जाम्पल ऑफ ऑन माउस आउट इवेंट। ये कब, ये वाला जो अलर्ट है वो कब आएगा, जब हमारा माउस उसके पास जाएगा कर्सर और वहां से हट जाएगा। और ये वाला कब मैसेज आएगा, जब हमारा माउस उसके पास जाएगा और एट ए टाइम हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा। और ये वाला कब आएगा, जब हम क्लिक करेंगे। बट हम क्लिक किस पर करेंगे, तो इसके लिए हम बनाते हैं बटन। बटन हम कहाँ बनाएंगे, हमारी जो प्रोग्राम है इसकी जो बॉडी है इसके अंदर। बॉडी के अंदर सबसे पहले मैंने लिया इनपुट टाइप बटन, नेम में मैंने बटन ही दे देते हैं अपन। और यहां पे मैंने वैल्यू दे दी, वैल्यू मैंने दे दी क्लिक मी, ये दिया मैंने। इसके बाद इसमें लगाना है मुझे ऑन क्लिक इवेंट, तो हमें लेना लिखना होगा ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक का हमारा फंक्शन कौन सा है, वन, ओ एन ई वाला, तो यहाँ पे कौन सा कॉल हो जाएगा, वन। इसके बाद इसी तरीके से यही लाइन को हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक बटन होना काफी नहीं है, तीन फंक्शन है तो तीन अलग अलग बटन हम बना लेते हैं। दूसरा भी बटन और दूसरे का भी हम बटन और यहाँ पे हम दे देते हैं, दूसरे पर है ओवर ओवर, तो यहाँ पे मुझे हटाना होगा इतने को ऑन माउस ओवर। ओवर जब वहां पर जाएगा कर्सर बटन पर तब ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, कौन सा वाला, TWO2 फंक्शन वाला। एक बार और हमने दिया है तो यहां पर हो जाएगा आउट, OUT आउट ये दिया। और इसका हमें ये इवेंट हटाना होगा और कौन सा इवेंट देना है हमें, ऑन माउस आउट। आउट होने पर जैसे ही कर्सर जाएगा बटन से हटेगा तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, थ्री वाला, थ्री फंक्शन वाला, जो थर्ड नाम के फंक्शन में दिया हुआ है स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को सेव करना है। ये पहला बटन है जिससे कि
जिसमें ऑन क्लिक लगाया है और वन नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। दूसरा बटन बनाया है जिसका नाम दिया है ओवर और उससे ऑन माउस ओवर पर टू नाम का फंक्शन कॉल होगा। तीसरा बटन बनाया है हमने आउट वाला, ऑन माउस आउट इसमें लगेगा इवेंट और थ्री नाम का फंक्शन इसमें एग्जीक्यूट होगा। तो हमें क्या करना है, फाइल में जाके इसको सेव करना है। फाइल में जाएंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल री अगेन सेव हो जाएगी। अब मैं इसे मिनिमाइज कर देती हूँ, इसे भी मिनिमाइज कर देती हूँ और यहाँ पे जावा नाम की जो मेरी फाइल है इसे ओपन कर देती हूँ, जिसमें मुझे क्या दिखेंगे, तीन बटन दिखेंगे। सबसे पहला है क्लिक, मैं इसके पास ले जा रही हूँ और हट रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लिक इवेंट लगा हुआ है, जब तक तो मैं क्लिक नहीं करूंगी तब तक मेरे पास मैसेज नहीं आएगा, हेलो आई एम एग्जांपल ऑफ ऑन क्लिक इवेंट आ गया। अब नंबर टू है ओवर, जैसे ही मैं इसके पास कर्सर लेके जाऊंगी वैसे ही हमारे पास अलर्ट मैसेज आ जाएगा। एक बार और हम रिफ्रेश करते हैं अगेन मेरी फाइल को, और मैं इसके पास कर्सर लेकर जा रही हूँ, ये देखिए जैसे लेके गई वैसे ही आ गया, ओके करते हैं। अब ये वाली मैं इस पे लेके गई हूँ, क्या आ रहा है क्या, अभी जैसे हटेगा फिर आएगा। एक बार और अगेन रिफ्रेश करते हैं, ये गए, अब मैं हटा रही हूँ, आ गया ओके। अब देखिए क्लिक करा, ऑन क्लिक इवेंट ओके, इसके ऊपर जैसे ही मैं लेके जाऊंगी वैसे ही आ जाएगा ऑन माउस ओवर, ये आ गया ऑन माउस आउट पे लेके गई। अब मैं जैसे ही हटूंगी यहां से वैसे ही आ जाएगा। तो ये होता है ऑन माउस आउट। तो ये हमने इस वीडियो में तीन इवेंट देखे हैं, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट। क्लिक में जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक आपके पास आउटपुट रिलीज नहीं होगा, ओवर में जैसे ही आप उस पर कर्सर लेकर जाओगे वैसे ही आउटपुट रिलीज हो जाएगा, आउट में जब आप कर्सर लेकर जाओगे और वहां से हटाओगे तब आउटपुट रिलीज होगा। तो ये हमने तीन इवेंट देखे हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस।